बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं दुआ कुकिंग में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआ कुकिंग। व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग सोडा लेकर आई हूँ। और रिफ्रेशिंग सोडा मैं कोकम्बर का बनाऊँगी, और कोकम्बर का ये जो रिफ्रेशिंग सोडा बहुत मज़े का बनता है और गर्मियों में बहुत ही कूल होता है, ठंडा होता है। जी व्यूवर, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है रिफ्रेशिंग कोकम्बर रिफ्रेशिंग सोडा बनाने के लिए, से दो अदद कोकम्बर या खीरे, उनको मैंने छील कर काट लिया है। चार से दो से तीन चार मसल के हैं ये लेमन, चार अदद ये चीनी है। टू टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये कोई भी किस्म किसी भी किस्म का कंपनी का आप सोडा ले सकते हैं। और ये पानी है जो मुझे शेक बनाने के लिए चाहिए, और साथ में ये काला नमक है जो हम टू टेस्ट डालेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी के आगाज़ की तरफ। सबसे पहले हम कोकम्बर को पानी डालकर ग्राइंडर में पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, ये कोकम्बर है जो मैं इसमें डाल दूँगी, साथ में पानी ऐड कर दूंगी। जी व्यूअर्स, मैं ये व्यूअर्स, ये हमारा कोकम्बर का शेक तैयार हो गया, मैं इसको छान लूंगी। मैंने ये जो कोकम्बर का शेक बनाया था, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको छान लिया और छानने पर यहाँ रख लिया। अब हमने अगला प्रोसीजर क्या करना है, वो ये है कि ये जो हमारा पानी है, इसकी हमने ना शिकनवी बनानी है। जैसे हम शिकनवी बनाते हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी चीनी, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, और इसको करेंगे मिक्स। जी व्यूअर्स, हमारी जो चीनी मिक्स हो चुकी है, मैं ये लेमन का जूस डाल दूँगी। काला नमक मैं डाल चुकी हूँ, इसको करेंगे मिक्स। इसके साथ हम ऐड करेंगे ये जो हमने खीरे का जूस बनाया है, साथ में हम सोडा डालेंगे इसमें, साथ में ये सोडा डाल देंगे हम इसमें, और आइस डाल देंगे। व्यूअर्स, मैंने आइस डाल दी, आप देख सकते हैं, इसको रेडी कर दिया मैंने। अब मैं इसकी सर्विंग करूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा रिफ्रेशिंग सोडा तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ओह